बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आप मेरे साथ लाइफ इन्वेस्ट करेंगे, ये बोलकर शॉक्ड कर दिया अंगद को तेजो ने। जी हाँ, ये बात कही है अंगद से तेजो ने। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है अंगद तेजो के मुंह से ये बात सुनकर। ऐसा लगता है जैसे तेजो ने वही बात कह दी हो जो अंगद सुनना चाहता हो। वेल, यहाँ पर अंगद के पास पहुँचती है तेजो, जिसे देखकर अंगद बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर जो अंगद होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजाक करता नज़र आता है तेजो के साथ और कहता है, क्या बात है, आप यहाँ पर आई हुई हैं, कुछ तो ऐसी बात है जो आप यहाँ पर आई हुई हैं। जिसके बाद तेजो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नज़र आती है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो अपनी बात कहे। और फिर वो अपनी भूमिका बनाती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ अंगद जी, ये बात मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद अंगद कहता है कि अगर ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। फिर इसके बाद जो तेजो होती है वो पूछती है अंगद से कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं आपकी कौन हूँ। इसके बाद जो अंगद होता है वो कहता है कि क्यों, आप मेरी बहुत खास हो, आप मेरी पार्टनर हो तो मुझे भी पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी बातें वो बोलता रहता है कि इसी बीच बहुत ही जल्दी से तेजो अपनी बात कह देती है और कहती है कि आप ना पूरी लाइफ मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद ये सुनते ही जो अंगद होता है वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या बोल दिया तेजो ने। भाई, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाकर तेजो ने ये बात कही अंगद से। ये बात तो वो फतेह को भी नहीं बोल पाई। जी हाँ, ये बात तो फतेह को भी वो नहीं बोल पाई कि फतेह से वो कितना प्यार करती है। वो ये बात किसी को भी नहीं कह पाई। वो फतेह को अपने दिल की बात कभी भी बोल नहीं पाई। हमेशा ही उसे सिर्फ सपोर्ट करती रही, उसे हमेशा ही प्यार करती रही, लेकिन कभी भी नहीं बोला कि फतेह तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन हमेशा ही फतेह के लिए तेजो की आंखों में हमेशा ही प्यार झलकता रहा। और अब देख लीजिए, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ फतेह के लिए आई हुई है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि वो ऐसे शादी करने वाली नहीं थी। उसने मना कर दिया था कि हर बार मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ किसी दूसरे के लिए, लेकिन एक बार फिर से उसने फतेह की वजह से शादी के लिए हाँ कर दी है अंगद के साथ। और देख लीजिए, खुद आ गई है वो अंगद से बात करने के लिए। तो भाई, तेजो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार है और तेजो के इसी कैरेक्टर से इम्प्रेस हो चुका है अंगद और अब शादी के लिए वो करने वाला है हाँ। इसके बाद फिर ये लोग जाएंगे डिनर डेट पर और यहाँ पर इसके अलावा फिर जाएंगे वो विर्क फैमिली में, जहाँ पर फतेह को इस तरीके से देखकर दोनों को साथ उड़ने वाले हैं उसके होश। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।